हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 1st of June एंड यस, 1st of June से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है एंड जो कि मेरा टारगेट है नवंबर 2022 का एग्ज़ाम। तो हमारे पास कितना टाइम है, ऑलमोस्ट हमारे पास 5 मंथ का टाइम है। यस, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में हमारे एग्ज़ाम्स ड्यू हैं सीए फाइनल का एंड मैं ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में अपीयर हो रही हूँ सीए फाइनल। तो आज की जो पढ़ाई है, जो मैंने स्टार्ट किया है या फिर जो मैंने सोचा है आज कंप्लीट करने का, वो ये है कि मैं पहला सब्जेक्ट ग्रुप 2 का लूँगी, दैट इज़ SCMPE एंड जिसकी क्लासेस अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की है। तो मेरे 10 लेक्चर तक हो गए हैं एंड आज मैंने जो सोचा है वो ये है कि मेरा लेक्चर नंबर 11 आज मैं कम्प्लीट करूँगी उसको एंड लेक्चर नंबर 10 का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, दैट इज़ हाफ एन आवर का लेक्चर रह गया था, तो उसे भी मैं कम्प्लीट करूँगी एंड लेक्चर नंबर 11 जो है वो मैं कंप्लीट करूँगी, यही मेरा टारगेट है। एंड आज तो मैं एक ही सब्जेक्ट ऐसा मैं प्लान करके चल रही हूँ कि मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ूंगी, बट आज मैं एक सब्जेक्ट पहले कर लेती हूँ, क्लासेस कर लेती हूँ और फिर जैसा भी बनता है शेड्यूल तो मैं नेक्स्ट डे से फिर ट्राई करूँगी कि हाँ एक सब्जेक्ट और कोई थियरी का ले लें, लाइक DT IDT अगर कुछ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो लेक्चर नंबर 10 का था, जो मेरा हाफ एन आवर का छूट गया था, वो ये स्पेशल प्राइज़ ऑर्डर डिसीजन है, ये मैंने आज कंप्लीट किया है एंड इसका सर ने एक पोर्शन और भी कराया था, दैट इज़ दिस अदर फैक्टर टू बी कंसीडर। ये अदर फैक्टर में भी आपका जैसे स्टैचुटरी कंप्लायंसेस हैं, बार क्रेडिटवर्थीनेस, इंडस्ट्री एनालिसिस, एडिशनल टर्म्स, तो ये सारे सर ने इसका मेमोरी टेक्निक भी बाई बायस लिखवा दिया था। तो एंड क्वेश्चन नंबर 14 इसमें सॉल्व कराया था, सॉरी होमवर्क दिया था, 15 सॉल्व कराया था। तो ये क्वेश्चन हमारा जो क्लास लेक्चर 10 था उसकी नोटिंग थी ये एंड दिस लेक्चर नंबर 11 जो मैंने आज स्टार्ट किया है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। यस, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन एंड की फैक्टर के लाइक जो आपका की फैक्टर है मटेरियल, लेबर, मशीन, RC, ये सब एंड उसका फॉर्मेट है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं की फैक्टर का। एंड इसमें कई सारे केसेस होते हैं जो सर ने करा दिए हैं, लाइक की फैक्टर में अगर आप देखोगे तो सिंगल की फैक्टर क्या है एंड मल्टीपल की फैक्टर क्या है, उसमें प्रोडक्ट अगर एक प्रोडक्ट के लिए है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए है एंड मल्टीपल की फैक्टर का भी ये डायग्राम सर ने बनवाया था। एंड इसके बाद सर ने जो करवाया है वो करवाया था एक क्वेश्चन, मतलब एक एग्जाम्पल करवाया था जिसमें सारे जितने भी सर ने लिखवाए हैं वो सारा कवर अप कर लिया था। तो ये था मेरा आज का पूरा एंड मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है आज। तो मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि यस, मैंने 1st of June से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है एंड इसको भी बस शेड्यूल में रखना है एंड रेगुलर पढ़ाई करते रहना है, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा होता है ना कि फ़्लो बनना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 महीने हमारे पास, 5 मंथ एंड इसमें रेगुलर कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी है एंड मुझे भी मेंटेन करनी है एंड जो भी रियल अपडेट होगा मेरी पढ़ाई को लेके कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या सिलेबस पढ़ रही हूँ, किससे पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ एंड कब क्या चीज़ ख़त्म होगी एंड कब रिवीजन करूँगी, तो मैं इसका भी आपको अपडेट देती रहूँगी। वो तो मैं डेली जो भी पढ़ाई करूँगी मैं उसका एक ब्लॉग बना के एक रियल अपडेट दे दूँगी। तो फ़िलहाल आज का जो था वो तो यही है, SCMPE पढ़ाई की है मैंने एंड कल से मैं देखती हूँ कि अगर थोड़ा कुछ भी लाइक DT IDT में थोड़ा सा एडिशनल कोई चीज़ मैं पढ़ सकूँ, थोड़ा सा ही, मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट यस थोड़ा थोड़ा अगर करूँगी तो कम्प्लीट हो जाएगा। तो लाइक ऐसे करते करते 5 महीने भी हो जाएंगे और पढ़ाई भी काफ़ी हद तक कवर हो जानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम पढ़ने ही बैठते नहीं हैं, लेक्चर ही कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा इशू होता है। बट दिस टाइम मैंने माइंड मेकअप कर लिया है कि यस मैं करूँगी, लेक्चर्स भी कंप्लीट करूँगी, DT IDT भी कंप्लीट करूँगी, ECO का पेपर तो फ़िलहाल मैंने पढ़ के दे दिया था। सो दिस वॉज ऑल अपडेट, लाइक आज 1st June की ये अपडेट है, ये आपको कल मिल जाएगी मॉर्निंग में 2nd of June को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा एंड इन केस कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।